क्या बात है आंटी, इस वक्त आप यहाँ बैठी हैं, परेशान है कुछ? हाँ, सवेरा की वजह से बहुत परेशान। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी अजियत से गुजर रही है। आंटी, वक्त ना हर दर्द का मरहम होता है। आप देखिएगा, हमारी केयर, हमारा प्यार सवेरा के दिल सामने की हर याद को मिटा देगा। तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? अब इतना अच्छा है तो नहीं वो शख्स कि उसको याद रखा जाए। आमिर का दिया हुआ धोखा सवेरा को उससे नफरत करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन उसी से ही दोबारा प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकता। और इतनी मशहूर तो है हमारी सवेरा कि वो बाय द टाइम ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रात काफी हो गई है, आप भी आराम कर लें। थैंक यू, मैं चलती हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। इतनी देर क्यों लग गई? आंटी जी के पास बैठ गई थी थोड़ी देर। थैंक यू। अम्मी जाग रही हैं अभी तक? जाग रही थी, काफी अपसेट है वो मायर। जाहिर है, इतना कुछ होने के बाद कैसे किसी को नींद आई है। मायर, मुझे लगता है कि हमें आमिर का जिक्र सवेरा के सामने बार बार नहीं करना चाहिए। मैं कैसे ना उसका नाम लूंगा? उन्हें देखा नहीं है कि उसने किया क्या है? जैसे समझ नहीं आ रही कि हमने उस पे भरोसा ही क्यों किया। आपकी बात, आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इतना बताएं कि इस सब से क्या होगा। मुझे लगता है तुम भी अम्मी की बातों में आ गई। वो भी यही कह रही है कि उसका नाम ना लो, उसके बारे में कोई बात ना करे, कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा। ये क्यों है ये सब कुछ इस तरह? उसको सजा मिलनी चाहिए जो कुछ भी उसने किया। उसी बातें यार, चले अब आप परेशान नहीं हो।